माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक युग बदलने वाले विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, संविधान को संशोधित करने वाले 128वें संविधान संशोधन के समर्थन में बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत, अरे भाई डरो मत, नो नो, जिसको जाना है जाने दिया से क्यों, प्लीज कोई भी सदन में रुक सकता है, जा सकता है, माननीय अध्यक्ष जी प्लीज, नो नो, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। कल गणेश चतुर्थी थी, कल संवत्सरी थी, कल नए सदन का पहली बार कार्य का श्री गणेश हुआ और कल ही के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सात अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया, जो जो सेंट्रल हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान, द सेंट्रल, डोंट बी स्केर्ड, वे आर डिस्कस, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। तो मैंने आई चेक, सिंपल थिंग आई डिड, आई सेड लुक व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पीपल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल हु डिफाइन हाउ दिस कंट्री इज गवर्न्ड, ऑफ कोर्स लोकसभा एंड विधानसभा, बट बियॉन्ड दैट दे आर द 90 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 90 पीपल सेक्रेटरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कोर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड आई आस्क माइसेल्फ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द 90 पीपल कम फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटी? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं,
ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं, मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़, मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। ये जो है, हाँ, मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, एक मिनट रुकिए। माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगा, एक तो ये महिला आरक्षण बिल है और दूसरा सभी माननीय सदस्य समान है, डरो मतो, ये शब्द इस पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए।